चलिए अब तो ठीक है बेटा, ओके बेटा मैं बात कर रहा हूं कार्टिलेज की। कार्टिलेज के हम नेचर की बात करेंगे तो क्या होगा, नॉन पोरस टिश्यू इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। किससे किससे बना हुआ होगा, जो मैट्रिक्स है इसका किससे बना होगा, प्रोटीन का बना हुआ होगा बेटा। और स्लाइटली हार्डन्ड, स्लाइटली हार्डन्ड बाय कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट के कारण स्लाइटली क्या होगा, ये हार्ड होगा। ब्लड वेसल्स एब्सेंट, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स क्या नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी बेटा। कोई दिक्कत? अब हम इसकी बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन कहां होती है बेटा, कैल्शियम साल्ट कैल्शियम आयन, लोकेशन ईयर पीना, बीयर पीना नहीं, ईयर पीना, ये वाला पार्ट ठीक है, एक्सटर्नल एयर इसको ईयर बोलते हैं, नोज टिप, नॉज की टिप होती है उसके ऊपर बेटा, एंड एपिग्लोटिस जो ग्लोटिस ट्रेकिया के ऊपर होती है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ मेमर्स, इसको समझाता हूं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ मैमल, रिंग्स ऑफ ट्रेकिया, एक्सेट्रा। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है, आपने वर्टिब्रल कोलम का नाम से स्पाइनल कोड देखा, सुना होगा आपने, स्पाइनल कोड होता है, ये छोटे छोटे ब्लॉक से बना हुआ होता है, और ब्लॉक के बीच में एक डिस्क होती है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। कई बार कहते हैं भाई इसकी जो गिर गया इसके कमर में दर्द है, मतलब उसकी डिस्क स्लिप हो गई। अब डिस्क स्लिप होने का मतलब क्या होता है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट आओ तो नर्व फाइबर दब जाते हैं बेटा, हम आगे बताएंगे उसको ठीक है। फंक्शन की बात करें, provide support and flexibility to the body parts, like प्रोवाइड सपोर्ट एंड बेटा एपिग्लोटिस क्या होता है ये भी समझा देते हैं। चलिए मृदुल जी पूछ रहे हैं तो ये बना लीजिए, मैं तब समझा दूंगा आपको, सुनिए ये बना लीजिए पहले।
बना लीजिए बेटा। नोट एंड एवरीबडी अब आपको बताता हूं कि एपिग्लोटिस क्या होता है बेटा। ये मान लो किसी का चेहरा है साइड से, और ये नोज है, और नोज से कहां, नोज किसमें खुलेगा, नेजल चेम्बर में, ठीक है, और माउथ किसमें खुलेगा, बक्कल कैविटी में। ये क्या है, बक्कल कैविटी, और इसके अंदर क्या रहेगी, टंग रहेगी कि नहीं रहेगी बेटा, कह रहे कि टंग जी लंबी बनाई है तुम्हारी तरह, जी रहेगी। अब यहां पर बेटा आपको दो तरह की डक मिलेगी, यहां पर ठीक है। अब देखिए यहां से हवा आती है और यहां से खाना आता है, तो जो ग्रीन कलर वाली है इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, या इसोफेगस, फूड पाइप या इसोफेगस। और ब्लू वाली को क्या बोलते हैं, विंड पाइप, या ट्रेकिया, कोई दिक्कत, विंड पाइप या ट्रेकिया। जो इसकी ओपनिंग है इसके तो ऊपर खुलने वाला भाग है, इसको बोलते हैं गैलेट, बुलेट नहीं रहे, क्या बोलते हैं, गैलेट बोलते हैं। देखिए फोटो फोटो फिर इसकी जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस, क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। कई बार आप घर पे खाना खाते हो तो घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं बेटा खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते है? अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो ये विंड पाइप है जहां से एयर जा रही है लंग्स में, तो यहाँ पे ऊपर एक कवरिंग होती है ग्लोटिस के ऊपर है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एसिफ ग्लोटिस। इसको क्या बोला, एसिफ ग्लोटिस। डिटेल में हम पढ़ेंगे टेंथ में और इलेवेंथ में, ठीक है। अब देखिए, अगर खाना भी इधर से आता है, खाना इधर से आता है और हवा इधर से आती है, तो आप देखिए अगर यहां पर मिक्सिंग है, अगर हम खाना खाते हैं तो बात करेंगे, खाना खाते हैं तो बात करेंगे, तो खाना किस में चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा। फिर क्या आएगा, हमको हिक्कप्स आएंगे, और हिक्कप्स आएंगे तो लोग कहेंगे हमें कोई याद कर रहा है, अरे वज्रबटू याद नहीं कर रहा, तेरे ट्रे के हमें कुछ चीज चली गई है, उसको वो फ्लिकरिंग करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इफ यू वांट टू नोट इट आउट, बना लीजिए इसको, इट्स गुड फॉर यू। यह है नेजल चैम्बर, यह है बक्कल कैविटी, यह है टंग, बना लीजिए। कफिंग इज डिफरेंट थिंग, हिकअप्स इज डिफरेंट थिंग। हिकअप मतलब, हिकअप मतलब ट्रेकिया में कुछ चीज चले जाएंगे तो यहाँ पे सीलिया होते हैं, ये वापस उसको ऊपर करेंगे तो हमें क्या है? ऐसे हिचके आएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, हिकअप्स कहते हैं। बना लिया, डन एवरीबडी नोटेड। बना लिया बेटा सबने? डराने से नहीं होती बेटा हिकअप्स, ठीक। डराने से क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है तो फ्लिकरिंग ऑफ द सीलिया बंद हो जाती है। बना लिया बेटा सबने? अरे बना लिया, अरे हाँ ना तो लिखो बेटा, चलिए बनाइए फटाक से बनाइए।
चलिए बेटा, अब बात करते हैं बोन की। बोन तो सब जानते हो, हड्डियां सबने खाई है ना। पहले बोन का डायग्राम बना के समझाता हूं आपको, पहले क्या होता है इसमें। अब मुंह पे लार मत टपका लेने लग जाना तुम हड्डी देख के। अब देखिए बेटा, जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? डायाफाइसिस। क्या बोलेंगे? डायाफाइसिस बोलेंगे। और ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे एपिफाइसिस। इसको क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस। बीच वाले पार्ट को डायफाइसिस और नीचे ऊपर और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस। और इसको बोलेंगे बोन मैरो कैविटी। नाम सुना होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह, बोन मैरो कैविटी। इसको क्या सुना होगा आपने? बोन मैरो कैविटी। और इसके अंदर जो होता है वो होता है येलो बोन मेरो। क्या होता है? येलो बोन मेरो होता है। और ऊपर नीचे ये होती है रेड बोन मैरो।
एक नॉर्मल हड्डी की क्या होती है, बोन की स्ट्रक्चर होती है बेटा। अब देखिए, अब इसकी नेचर की बात करते हैं, बनाना नहीं है एकदम। ये हार्ड पोरस टिश्यू विथ फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये क्या होती है, हार्ड पोरस। पोरस का मतलब जिसमें छेद भी होते हैं, पोरस टिश्यू विद फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के फॉस्फेट एंड कार्बोनेट होते हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है क्योंकि इसी में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, रेड बोन सेरो से, रेड बोन मैरो से। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, कोई दिक्कत। लोकेशन की बात करूं तो क्या होता है, हमारे बॉडी का इंटरनल स्केलेटन ही तो होता है ये। इंटर स्केलेटन ऑफ द बॉडी, कोई दिक्कत। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो क्या होगा, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल्स, अटैचमेंट टू द मसल्स, हेल्प इन लोकोमोशन चलने में, हेल्प इन लोकोमोशन एंड बोन मैरो मैक्स वो ब्लड सेल्स। बोन मैरो मैक्स ब्लड सेल्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, नेचर, लोकोमोशन एंड फंक्शन। व्हेन यू स्टडी इन द 11th, देन वी विल स्टडी अबाउट द डिटेल, कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, सॉफ्ट बोन क्या होती है, सबके बारे में वो पूछेंगे। बेटा बना लीजिए इसको,
डन एवरीबडी, बना लिया बेटा। समझाऊंगा डन बेटा, बना लिया सबने। अरे बना लिया बेटा सबने। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। यहां पे आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़नी आपको। तो अगर मैं इसकी नेचर बताऊं, अगर हम नेचर की बात करें तो क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में कौन कौन सी होंगी, आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स भी बोलते हैं या एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रो साइट भी इसको बोलते हैं। दूसरा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, 11th 10th में पढ़ेंगे डिटेल में, या इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स। तीसरी क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है बेटा। ठीक है, आई समझ में। प्लाज्मा में क्या होगा, प्लाज्मा में क्या होगा, प्रोटीन्स होंगे, सॉल्ट होंगे,
एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन होंगे, सॉल्ट होंगे, एंजाइम्स होंगे, हार्मोन भी होंगे, हार्मोन्स भी होंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। कोई दिक्कत? अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, सॉरी लोकेशन की, तो लोकेशन क्या है? इन ब्लड वेसल्स सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी। कोई दिक्कत? फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस की बात करें तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स टू टिश्यू, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स टू टिश्यू, टिश्यू तक ये पहुंचाता है। कोई दिक्कत? और ऑर्गन्स, टिश्यू और ऑर्गन तक ये चीजें पढ़ाता है। यस और नो? जो ल्यूकोसाइट है, जो हमारी बॉडी के पार्ट है, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट फाइट डिजीज, फाइट अगेंस्ट डिजीज। कभी हम ब्लड की जांच करवाते हैं तो हमारे ल्यूकोसाइट के काउंट को बढ़ी हुई देख के डॉक्टर क्या कहता है? जी आपको तो इन्फेक्शन है। प्लेटलेट, प्लेटलेट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। हमारे जब लग जाती है, चोट लग जाती है, तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है? वहां रक्त का थक्का जम जाता है, ऊपर एक सॉलिड सी सरफेस बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड। वो किससे होती है? रेड ब्लड सेल, इसे प्लेटलेट से होती है बेटा, बना लीजिए।